वैष्णव ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, लोको पायलट को मिली मुख्यालय के बार बार ओवरशूट से निजात। उपखंड कार्यालय खोलकर गहलोत सरकार ने दिया तोहफा। राज्य स्तरीय मेले में सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित। शहरवासियों की समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। छात्र छात्राओं के लिए गए कोरोना सैंपल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हुआ कार्यशाला का आयोजन। विश्व जल संरक्षण दिवस पर हुआ सेमिनार। अब समाचार विस्तार से। मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन सेवा समिति के सानिध्य में पंचायत समिति सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। वही साई गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर संयोजक हरीश परिहार, पालिका अध्यक्ष वजीग्राम गांची, उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी, थाना प्रभारी बुद्धाराम चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी, संगठनों एवं शहर वासियों ने शहीदों के नाम 2 मिनट का मौन रखा। इसी के साथ गांधी चौक से रैली के रूप में सुभाष सर्कल पहुंचकर सुभाष मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया गया। रैली को समिति के संयोजक हरीश परिहार, अध्यक्ष उपखंड अधिकारी भागीरथ जी चौधरी, महेंद्र सिंह जी राव एवं मनोहर जी चारण ने संबोधित किया। गोष्ठी में समिति सह संयोजक श्री सोहन लाल चितारा, नगर पालिका अध्यक्ष वजीग्राम गांची, पुलिस निरीक्षक बुद्धाराम चौधरी, सदस्य नवीन पुनिया, पत्रकार बंधु एवं शिवगंज क्षेत्र के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन सोम प्रसाद साहिल ने किया। इसी प्रकार लई कामत की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आबूरोड इकाई द्वारा शहीद दिवस मनाया गया। प्रांत कार्य समिति सदस्य उर्वशी देसाई ने बताया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रांत कार्य समिति सदस्य उर्वशी देसाई, नगर मंत्री लव खत्री, नगर सोशल मीडिया प्रभारी नितेश सैनी, राकेश आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके साथ ही श्रीमती चंद्रावल गुप्ता महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आबूरोड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के क्रम में शहीद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह व शहीद राजगुरु को मुख्य ट्रस्टी हरीश गुप्ता, ट्रस्टी सचिव मनीष जैन, प्राचार्य डॉक्टर अलका जैन व समस्त स्टाफ सदस्य, बीएड डीएलएडी प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की छात्र अध्यापिकाओं द्वारा पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोको पायलट को मिली मुख्यालय से बार बार ओवरशूट से निजात। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार लोको पायलट को प्रशासन द्वारा तुगल की फरमान जारी कर उनके मुख्यालय को बार बार ओवरशूट किया जा रहा था। लोको पायलट जब भी अपने ड्यूटी पर अपने मुख्यालय से गाड़ी लेकर निकलता था, उसको इस बात की अनिश्चितता थी कि वह अब कब वापस अपने मुख्यालय पर वापस आकर ड्यूटी समाप्त करेगा, जिसके कारण सभी कर्मचारी मानसिक तनाव में रहते थे। जब इस प्रकरण को कर्मचारियों द्वारा यूनियन को बताया गया तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के शाखा देवेंद्र शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए मंडल मंत्री अरुण गुप्ता और मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी को इस प्रकरण से अवगत कराया कि अगर बार बार मुख्यालय ओवरशूट करने की नीतियों को रोका नहीं गया तो आबूरोड का रनिंग कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड-19 के लॉकडाउन के समय हम रनिंग कर्मचारियों ने एक कोरोना वॉरियर्स की तरह कार्य किया, मगर प्रशासन द्वारा कई गलत आदेश निकालकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रकरण पर मंडल मंत्री एवं मंडल अध्यक्ष दोनों ने अपना कड़ा रुख करा तो प्रशासन ने इस पर भी अपना निर्णय लेते हुए बार बार ओवरशूट के आदेशों को बदलना पड़ा। आदेश आते ही रनिंग कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने एक दूसरे को गले व माला पहनाकर मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर यूनियन का आभार जताया। इस मौके पर रमेश मोरवाल, चंद्रशेखर, राजकुमार जेलिया, राजेश समेत सैकड़ों रनिंग कर्मचारी मौजूद थे। उपखंड कार्यालय खोलकर गहलोत सरकार ने दिया तोहफा।
लई कामत की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आबू रोड शहर की वर्षों पुरानी मांग पर कार्रवाई करते हुए उपखंड कार्यालय को आबू रोड स्थानांतरित करने की घोषणा को लेकर आबू रोड तहसील के जन प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने आज प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया एवं सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का आभार व्यक्त किया। तलहटी स्थित होटल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य सरकार ने आपकी वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के साथ ही माउंट आबू में बिल्डिंग बायलॉज कानून लागू कर आमजन को राहत दी है। इस अवसर पर सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने अपने संबोधन में कहा कि दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी परिवारों को अपने छोटे छोटे कार्य के लिए भी उपखंड कार्यालय माउंट आबू के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके चलते उन्हें मानसिक शारीरिक व आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताते हुए आबू रोड तहसील की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर उपखंड कार्यालय आबू रोड स्थानांतरित कर दिया। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी संध्या चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अश्विन गर्ग, पार्षद नरगिस कायम खानी, शमशाद अली अब्बासी सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य स्तरीय मेले में सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी ऑनलाइन वर्चुअल मेले में आज सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने क्विज प्रतियोगिता, मौखिक अभिव्यक्ति फाइनल राउंड, प्रादर्श प्रतियोगिता तथा सेमिनार के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य हीरा खत्री तथा व्यवस्था सहयोगी गोपाल सिंह राव के अनुसार पर्यावरण अनुकूलन में दिव्यांश कंसारा सिरोही, स्वास्थ्य मॉडल में विश्वजीत सिंह बालदा, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर में जयश्री लखारा आबू रोड, ऐतिहासिक मॉडल में कुणाल प्रजापत भारजा, गणितीय मॉडल में तिलक कवर गोयली तथा विज्ञान सेमिनार में दिशा धीमन आबू रोड ने जिले से प्रतिनिधित्व किया। मेले प्रभारी प्रमिला पोरवाल के अनुसार प्रधानाचार्य हीरा खत्री के मार्गदर्शन में सुमन कुमारी, दिनेश कुमार सुथार, गोपाल सिंह राव, कीर्ति कुमार सोलंकी तथा प्रतिभागी विद्यार्थियों के साथ आए प्रभारी शिक्षिकाएं शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। तीन दिवसीय मेले का समापन 26 मार्च 2021 को होगा। शहरवासियों की समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। लई कामत की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिला कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सागरमल अग्रवाल ने खान एवं गोपालन मंत्री व सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के आबू रोड आगमन पर उनसे मुलाकात कर आबू रोड शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में सागरमल अग्रवाल ने अवगत करवाते हुए बताया कि आबू रोड स्टेशन के पास करीब 2 साल से पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। आबू रोड तहसील की 40% जनता रेलवे फाटक के बाहर रहती है, जिन्हें फाटक बंद होने से भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी के लिए हवाई पट्टी के निर्माण एवं आबू रोड खारा जोड़ा मावल गौशाला में पानी की समस्या को देखते हुए गायों के लिए बोरवेल का निर्माण के साथ चारों तरफ बाउंड्री बनाने आदि समस्याओं के निवारण हेतु कहा गया। छात्र छात्राओं के लिए कोरोना सैंपल। किशन माली की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के संक्रमण के मामले एक बार फिर देश व राज्य भर में बढ़ रहे हैं। इसके चलते सिरोही जिला भी अछूता नहीं है। रविवार को आई रिपोर्ट के अनुसार जिले के 2 राजकीय विद्यालयों में 8 बच्चों सहित कुल 19 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। इससे छात्र छात्राओं व अभिभावकों में चिंता की लहर है। इसके चलते जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा प्रशासन टीम को दिए गए निर्देश अनुसार पिंडवाड़ा ब्लॉक CMHO डॉक्टर SP शर्मा के सुपरविजन में लैब टेक्नीशियन दीपक जोशी व चिकित्सा टीम द्वारा शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना संक्रमण को रोकने व जांच हेतु सैंपलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दरमियान विद्यालय से करीब 50 छात्र छात्राओं की जांच हेतु कोरोना सैंपलिंग ली गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हुआ कार्यशाला का आयोजन। लई कामत की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के निर्देश अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत
तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन एवं जल जीवन मिशन की क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति सभा भवन में सरपंचों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों स्वच्छ ग्राहियों की कार्यशाला आयोजित की गई। अधिशासी अभियंता जिला परिषद अजय भार्गव ने ग्रामीण विकास प्रशासन की उभरती चुनौतियों तथा जल जीवन मिशन के महत्व के बारे में कार्यशाला में जानकारी दी। आशियाना फाउंडेशन जयपुर के डॉक्टर नंद किशोर ने जल जीवन मिशन के उद्देश्य तथा जल एवं स्वच्छता कमेटी के ग्राम वार निर्माण सामाजिक मानचित्र आदि के बारे में जानकारी दी। बैठक में अधिशासी अभियंता पीएचईडी बीएल वर्मा, सहायक विकास अधिकारी हरीश सोनी, कनिष्ठ अभियंता पीएचईडी गोविंद लाल मीना, सीबीईओ दलपत राज पुरोहित, समन्वयक वीरेंद्र त्रिवेदी, ज्योति फाउंडेशन के कुलकित जैन, सरपंच रमेश कुमार समेत स्वच्छाग्रही उपस्थित थे। विश्व जल संरक्षण दिवस पर हुआ सेमिनार। लाइका मत की रिपोर्ट के अनुसार सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड में एनएसएस व नेचर क्लब के तत्वावधान में विश्व जल संरक्षण दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य के नेतृत्व में संपन्न हुई। नेचर क्लब की प्रभारी डॉक्टर अंशु रानी सक्सेना, अर्थशास्त्र की सह आचार्य इंदु असेरी, भूगोल विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल एवं प्राणी शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य महेंद्र देवंदा आदि ने जल के संरक्षण को पर्यावरण से जोड़ते हुए उसके संरक्षण के बारे में बताया। अंत में महाविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर हनुमंत सिंह चौहान ने जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हनुमंत सिंह चौहान ने किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।